अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई दुबई से आई है ये प्ले स्टेशन 5, हमने मंगवाई है। अब उसैब भाई को ये देने वाले हैं सरप्राइज। उसैब भाई को ये तो पता है कि प्ले स्टेशन 5 हमने ख़रीदी है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि आज आई हुई है। हमने उन्हें बताया हुआ है, मैंने उन्हें झूठ बोला था कि एक हफ़्ते के बाद आएगी। तो अब उसैब भाई को इतना इंतज़ार था, आप सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा उसी की बातें कर रहे थे, मतलब पूरा दिन। तो अब उसैब भाई को पता नहीं है, अब इसको देते हैं सरप्राइज़। उसैब भाई अपने कमरे में कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं। अच्छा, उसैब भाई कज़न के साथ बैठे हुए हैं, कज़न उन्हें सिखा रहे हैं अपना 3D एनिमेशन वगैरह, उन्हें पता नहीं है। उसैब भाई सरप्राइज दिया। चलो बोलो कि नहीं दे रहे, अभी मेरी उर्दू नहीं निकल रही है, सराकी चलेगी, सराकी में बोलो। उसैब भाई कैसा फील हो रहा है आपको, ये बताएं पहले। इधर सामने आओ, सामने उसैब भाई के एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रही, क्या बोलूं, ये कैसे अचानक आया है बिल्कुल। ये हमने जुबैर भाई के साथ मिलकर प्लान किया था पूरा। क्या वो बंदा आ जाना था? अच्छा, मैंने सोचा हुआ था 2-3 दिन के बाद आएगी। मैंने उसैब भाई को हफ्ते का बोला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उसैब भाई, यहाँ ख़वातीन हज़रात बोलना है या नहीं बोलना? जैसे अभी तो अभी फुल वगाज भाई ने प्रैंक किया है, अचानक एक चीज़ मुझे गिफ्ट की है, वो अभी हसन भाई उठा दें आप वो चीज़। अरे है इसका कोई, मैं 1-2 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ और आज वकास भाई ने गिफ्ट कर दी है। तो उसैब भाई को ये तो पता था, ये हमने मंगवाई है दुबई से। पहले बता दूँ आप लोगों को, वहाँ हमारे कज़न रहते हैं अपना मुसनसर यकूब साहब, तो उनको हमने कांटेक्ट किया उनके साथ, तो फिर उन्होंने ये सारी भिजवाई है। और भी दोस्त थे, मोहम्मद यूसुफ लैल, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो यहाँ तक लाए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उसैब भाई को ये तो पता था कि हमने ख़रीदी हुई है, लेकिन उसैब भाई को ये पता नहीं था कि ये आज आने वाली है। मैंने उसैब भाई को झूठ बोला हुआ था कि 3-4 दिन, हफ्ता भी लग सकता है। तो उसैब भाई को पूरा दिन यहीं हफ्ते का इंतज़ार कर रहा था, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। ये आज उसैब भाई हर वक्त इसी की बातें कर रहे थे कि PS5 आएगी, कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे। तो अभी तो देर थी, ये अभी ख्वाबों में ही थे, लेकिन मैंने वो हकीकत बना दिया है। मैंने एक कज़न के साथ अपना प्लान करके उसैब भाई को सरप्राइज दिया है। सबसे पहले उसैब भाई खुश आमदीद हमारे गेमिंग चैनल में, क्योंकि ये अनबॉक्सिंग हम गेमिंग चैनल पर ही कर रहे हैं, अभी तक चैनल बनाया नहीं है। अब मतलब इसके बाद भी कोई नहीं है, इसलिए हाँ, सेटअप कोई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब गेमिंग उसैब भाई इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। उसैब भाई अनबॉक्सिंग करें जी, चले अपने बरकत हाथों से उसैब भाई शुरू करें। तो ये अच्छा उसैब भाई, ये जंबो डिस्ट्रीब्यूटर था ना, अच्छा दुबई का कोई है जंबो डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो ये वहीं से ली है। ये देखें अभी तक भी हमने वहाँ से ली, जो हमने हाँ जिस दुकान से लिया है उसने वहीं से लिया हुआ था उसने, और फिर हमें यानी एक्स्ट्रा चार्ज किया। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में इसकी ओरिजिनल प्राइस है 90,000, लेकिन हमें जो मिली है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक वगैरह चल रही है, शॉर्टेज चल रही है इसकी, हमें मिली है 1,40,000 के। ऐसे 1,40,000 2930 दरहम था, ऐसे ना हो सब 2930 दरहम की हमें मिली है। बाकी इसके साथ एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं लिया। हमने ऑर्डर किया हुआ है दूसरा कंट्रोलर। और उसैब भाई कौन सी गेम? Far Cry 6 अभी न्यू ही लॉन्च हुई है, तो वो भी उसैब भाई ने ऑर्डर कर दिया है। बाकी इसमें अब अनबॉक्सिंग करते हैं। उसैब भाई कहाँ हैं? औजार दिखाएं, देसी छुरी तैयार है। उसैब भाई ये अपना ख्याल कर रहा हूँ, उफ उसैब भाई ये देखें भी अभी अपना हाथ काटते थे, काट गया है, खून भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी ज़्यादा नहीं आया है। उसैब भाई ठहरे हैं एक मिनट, इसको ऊपर रखें, जल्दी करें, जो ये ऐसे रखें, इस साइड पर रखें, इस साइड पर निकालेंगे।
अब निकालें। टेक्निकल गुरुजी आए हुए हैं, अनबॉक्सिंग चल रही है। टेक्निकल नहीं, ये देसी गुरुजी है, टेक्निकल नहीं है। समझ के आ रही। साहब ये कहाँ से अब खुलेगी? ये इसकी जगह है, ये यहाँ। मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, दोनों जगह हैं। साहब यहाँ भी है। अच्छा, ये खून बढ़ गया है अब। साहब हसन कोई टिश्यू ले। भाई ये खुशी का खून है। साहब वो क्या कहते हैं अपना कुर्बानी, या ये कुर्बानी दी आप? हमारी सराकी में बोलते हैं रत वाल। रात वाल कर दिया है मैंने, इसका इफ्तिताह कर दिया है। हाँ उसे भाई आप वहाँ से खींचे, मैं यहाँ से मैंने पकड़ा। ये कैसी है ये खींचने की जगह? वहाँ से यहाँ से है भाई। उसे भाई दोनों जगह हैं खींचने की, आप वहीं से खींचे। देखें ये जगह यहाँ बनी हुई है ना, देख लें आप। नहीं ये तो इसका अपने, ये ऊपर वाला बॉक्स है, इसके अंदर और बॉक्स है, इतना बॉक्स है और बॉक्स है। ये भाई पहले ये बॉक्स हटा देते हैं, फिर आराम से इसको ठहरे PS5 इससे निकाल लेते हैं, फिर हाँ। आराम से इनको। ये बॉक्स बहुत बड़ा है तो ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, और हमारी टेबल इतनी बड़ी नहीं है, तो ये देसी अनबॉक्सिंग हो रही है ऐसे समझे। ये कोई खास नहीं है मेन। ये इसको रख देते हैं यहाँ। ये है और ये अच्छा वो दिख जाएगा। अच्छा ये सारे इनको मैनुअल वगैरह, ये हम पढ़ने वाले नहीं है उसे भाई। अच्छा आराम से खोले आपको। अच्छा जी पहले पहले हम अपना खोल लेते हैं। कंट्रोलर है ये, और भाई ये सबसे आज तक इतना अच्छा कंट्रोलर नहीं बना। उसे भाई ये देख लें कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये एक मुलायम मुलायम जैसे, और ये बहुत भारी है वो, देख रहे हैं। जस्ट फील इट उसे भाई। अभी तो फील करेंगे वो। अच्छा जी ये और केबल है, ये उसी की उसे भाई अपना पावर केबल है, इसकी पावर केबल है। पावर केबल है। ये क्या चीज़ है सर भाई, ये क्या है? भाई ये है स्टैंड, अगर आप PS5 को वर्टिकल रखें ना। ठहरे दिखा दूँ मैं तो भैया, ये है स्टैंड, अगर PS5 को वर्टिकल रखना हो ना यहाँ ऐसे ऐसे ना। भाई ये ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर ऐसे PS5 आ जाएगी शायद, मैंने खुद भी यूज़ किया। ये इसी के साथ केबल थी, मतलब कनेक्ट होगी ये इसके साथ क्या? नहीं नहीं होगा भी, ये ईथरनेट केबल होगी। हाँ वो है क्या? अच्छा इसमें बस यही चीज़ें थी। उसे भाई ये दिखा दें, ये एक तरफ कर देते हैं। उसे भाई अब मेन चीज़ पर आए। ले आपका ख्वाब आपका सपना। आराम से उठाएं इसको, यही ख्वाब सपना टूट जाए। ये भाई ये प्रोटेक्ट करने वाले अपना फोम वगैरह हैं। इसमें इतना यानी इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे बॉक्स वगैरह थे। उसे भाई पैसा भी तो उतना है ना। इतना भी नहीं करेंगे। और ये आ गई, ये आ गई PlayStation 5। ये इसकी, हाँ इसकी जो लुक है ना उसे भाई, जो एड्स वगैरह या इसमें ऐसे ऐसे ना, बिल्कुल ऐसे। और ये डिस्क वर्जन है, यहाँ से डिस्क लगती है, डिस्क भी है डिजिटल भी दोनों। बस करें चलते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करें सर भाई, बस हो गई। अब इसका देखते हैं बीस्ट कैसे गेम चलाता है भाई। तो उसे भाई यहीं वीडियो का एंड करें, अगली वीडियो में मिलते हैं। कौन सी गेम खेलेंगे वो आप लोगों को इंशाल्लाह यहीं पर आती रहेगी। रेगुलर मेरी जबान लड़खड़ा रही है वो इस वजह से कि खुशी है, बहुत सारी खुशी है। आप ये देखना चाहते हैं कैसे खेलेंगे क्या करेंगे, लेकिन कंट्रोलर एक है ये भी मसला है। मुझे उसैब भाई को दूसरा ऑर्डर, मुझे उसैब भाई को हराना है। उसैब भाई प्रो है गेमिंग में, मैं ये आपको बता दूँ। मैं कुछ भी नहीं खेलता, मैं हाँ ये सीरीज वगैरह देखता रहता हूँ, मूवीज वगैरह। चलिए देखते हैं वो काफी आप तो प्रो करेंगे। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।